छाप भी अक्सर हमने अक्सर कई जगहों पर देखे हुए, जहाँ के अंदर रोटियां भी रखी जाती हैं और भी कई काम उससे लिए जाते हैं। पत्ता इस्तेमाल करने हैं, खजूर वाला पत्ता, इन्हें को रंगे ने रंग वाले इस्तेमाल करने हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है ये चीज, अगर मैं इसको इसकी ना लेबर के लिहाज से लगाऊँ ना, कोई खरीद नहीं पाएगा। दे आर नॉट वेरी वेल पेड, इंसान की एजुकेशन सपोर्ट होती है, गरीब होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि मेरी आर्टिसंस में वो किसी से मांगते ही नहीं है, भीख नहीं मांगती है, मेहनत कर लेंगी। इस्लाम मेरिया है, उनकी बच्चियों को एंगेज करती हूँ, उनको ही पढ़ाती हूँ, उन्हीं की ग्रूमिंग करती हूँ, उन्हीं को सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलाज़ नाज़रीन के साथ आप लोग देख रहे हैं नई बार डिजिटल नाज़रीन। मैं एक वक्त आप देख सकते हैं चारपाई पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक माँ जी बैठी हैं जो कि आप देख सकते हैं एक हाथ के साथ कोई चीज ढूंढ रही है। ये क्या है? ये छाप भी अक्सर हमने अक्सर कई जगहों पर देखे हुए, जहाँ इसके अंदर रोटियां भी रखी जाती है और भी कई काम उससे लिए जाते हैं। ये कैसे बनाई जाती है, कब से बना रही है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी है? शुक्र अल्लाह का। माँ जी क्या बना रही है? छाबी बना रही हूँ। छाबी बना रही है, रोटी जिसके अंदर रखी जी है। रोटी जिसके अंदर रखी जाती है। तो ये शुरू से आप लोग बना रहे हैं या कैसे? नहीं, शुरू से, बचपन से। बचपन काम कर से। हाँ। अच्छा, ये एक छाबी के अंदर जब बनाते हैं तो क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है? ये पत्ता इस्तेमाल करने हैं, खजूर वाला पत्ता, इन्हें को रंगे ने रंग वाले इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे ये कैसे कैसे, अगर मेरा कैमरा थोड़ा करीब से आके दिखा सके, मेरा कैमरा अगर करीब से आके दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त माँ जी जो है किस तरह, और इन्हें की हाथ की स्पीड देखे, हाथ में एक सुई भी है, सुई का क्या काम है? सुई ना हो तो ये काम नहीं थी ना, सुई ना काम थी ने। अच्छा, ये सरेकी में गंदुया बोलते है, गंदुई याद है ऐसा सरेकी में। अच्छा, अच्छा, जब बीच में रंग चेंज करते हैं तो रंग चेंज करने के वक्त किस तरह इसके ऊपर मैनेज, मतलब की वो के पत्ता ना चले और टूटे भी ना? नहीं, पता तो चलता है ना, रंग इस तरह चेंज करते हैं, जो पहले ये वाला लेते हैं। अच्छा, मेरा अगर कैमरा करीब से आके दिखा सके तो ये पहले ये वाला लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह काटते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त कि हम अक्सर देखते हैं छाबियों के अंदर मुख्तलिफ रंग जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ रंगों के साथ उसके अंदर और भी निखार और भी खूबसूरती जो है उसके साथ बढ़ती है। वो रंग कैसे तब्दील होते हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त हमने आपको मनाजिर जो है ये रिकॉर्डिंग आपको दिखाई है कि कैसे, और आप माँ जी की हाथ की स्पीड भी देख सकते हैं। तो एक दिन में कितनी छाबियाँ तैयार कर लेती हैं? एक दिन में दो छाबियाँ तैयार हो जाती हैं जी। एक छाबी पे कितना टाइम लग जाता है? 3 घंटे। 3 घंटे? तो 6 घंटे में आप 2 छाबियाँ तैयार करते हैं। ये अभी सारा चीजें आपकी बनी हुई है? हाँ, मेरी बनी हुई है। चले नाज़रीन, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, माँ जी को यहीं पे बैठे रहने देते हैं और जाते हैं आगे, और आगे जाके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने लाइव बनाया था, एक्सप्रेस न्यूज वाले आए थे उनके सामने। अच्छा, मैं अगर दिखा सके यहाँ पर ये लाइव, ये कितने देर में तैयार हो गया था? ये पूरा दिन लगा था आपकी एक पूरा दिन लगा था। हाँ, ह्यूमन देखे, और दूसरी बात ये कि ये चीज अगर मैं इसको इसकी ना लेबर के लिहाज से लगाऊँ ना, कोई खरीद नहीं पाएगा। उसकी एक दिन की लेबर पे। अच्छा। इसमें पूरा दिन लगता है। आप उसमें देखे फास्ट चुपती है, जैसे मेरे ये वाले है। अच्छा। ये वाले बच्चियाँ नहीं बनाती, कहती है बाजी हमसे नहीं बनता है, फास्ट चुपती है, बहुत मेहनत है, 3 दिन लगते है मेरा। अच्छा। दूसरी तो वो हो जाती है। तो इस तरह अगर हम खाली लेबर के भी कॉस्ट करें ना, तो हमें वो भी नहीं, कोई इंसान इसकी लेबर की कॉस्ट भी नहीं दे सकते लोग। अच्छा, तो ये आप कैसे यूटिलाइज करती हैं? माँ जी बनाती हैं, फिर आप कैसे यूटिलाइज करती हैं? हमारा मेरा ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ। गोइंग फर्दर इंशाल्लाह से अल्लाह मैंने साथ दिया तो मैंने Etsy के अंदर करना है या Shopify में करना है। अच्छा, जो जैसे ये मेरे किसी की कोलैबोरेशन के साथ मैंने ये Etsy में लगाए थे। अच्छा, तो ये मेरे तो फॉरन Etsy से हिल गए थे, लेकिन अब उस तरह की कोलैबोरेशन नहीं हो रही, और अल्लाह ने चाहा तो अगर Etsy में होता तो वो वहाँ अच्छी मार्केट है। अच्छा, तो इनकी क्या, क्योंकि आप कह रही थी कि अगर प्राइस जो इनकी एक्चुअल प्राइस है ली जाए तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अभी कितनी किस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं? हम करते हैं, हम इसके लिहाज से लगाते हैं, जैसे हमें फसल जो है ना उठानी पड़ती है, ये सामान हर किसी भी के गांव में ना, हर एक के गांव में कोई ना कोई ये बना रहा होता है। अच्छा। तो हमें लोग आके कहते हैं हम तो गांव से उठा लेंगे, वहाँ लोगों को फ्री की फसल मिलती है, हमें ये उठाना पड़ता है। बेसिकली है ये एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। अच्छा। ठीक है, और
उसके ऊपर हम जब ये सेंट से मंगवाते हैं उसके ऊपर पेट्रोल की पूरी कॉस्ट देते हैं। अच्छा। उसके बाद वेयर हाउस पे पहुंचाने की अलग कॉस्ट, जो लोडर कॉस्ट होती है, फिर थोड़ा थोड़ा सामान करके हमारे वर्कशॉप तक लाने की अलग कॉस्ट होती है। तो अगर हम वो भी कर सके ना तो कवर नहीं होता, लेकिन हमने ऐसा करना होता जो लोगों की रीच में आ जाए, तो वो उस तरह होता है। ये आपकी हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा जो है ना, सबसे चैलेंज ये है कि देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, वो दे सकती है महीने के जो हफ्ते के दिन पर दिन के लिहाज से। हमारे दे आर नॉट वेरी वेल पेड, इनसे इनकी एजुकेशन सपोर्ट होती है, गरीब होते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत होती है, बेचारे करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी आर्टिजन में वो किसी से मांगती नहीं है, भीख नहीं मांगती है, मेहनत कर लेंगी अपने हाथों को वो कर देंगी, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। अच्छा ये एक मैं उठा के देख सकता हूँ? थैंक यू। ये एक थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है, कोई धागा शायद इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। ये पूरा का पूरा बना था और उसके ऊपर फिर धागे का काम, ये डबल वर्क हुआ है। अच्छा हाँ। मतलब पहले ये ऐसे बना था फिर हाँ। उसके ऊपर धागे का काम हुआ था, साथ ही साथ वो करते रहे ना, यानी कि वो ये वाला मटेरियल है फिर धागा, जैसे वो माजी उसके करनी है ना, तो उसके साथ ही धागे के ऊपर वो करके काम इसमें दोहरा हो जाता है। अच्छा अच्छा देखा जाए तो जाहिर है ये भी एक टैलेंट है। आप तो टैलेंट को उभार रही है किसी भी तरीके के साथ, आप समझिए कि हुकूमत को भी कुछ ऐसा इस पे काम करना। हुकूमत तो कर रही है ना, देखिए हुकूमत का तो पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट है वो तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट हर जगह जाके हर एक के लिए नहीं कर सकती है। आपकी अगर 30 करोड़ की वो कितनी है, 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में हुकूमत सिर्फ 4-5 करोड़ का कर सकती है ना, लेकिन आपके पास जो गुर्बत है ना वो आपके पास 12 करोड़ आवाम है जो गरीब है, तो वो 4-5 को तो कर दी, बाकी के जो 9 करोड़ हैं, जो 7 करोड़, तो मैं तो आई बिलीव हमारा तो मेरा तो जो मॉडल है वो ये है कि हम अपने, मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो आउट ऑफ सिटी नहीं जाती हूँ, मेरे घर के पास जो स्लम एरिया है उनकी बच्चियों को एंगेज करती हूँ, उनको ही पढ़ाती हूँ, उन्हीं की मैं 4-5 उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकती, उन्हीं की ग्रूमिंग करती हूँ, उन्हीं को सिखाते हैं और उन्हीं का हम बेचते हैं। चलें आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी नादरीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत ये जो काम है, ये आप देख सकते हैं माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके खूबसूरत खूबसूरत हमारी माँ जी हैं, उनके खूबसूरत हाथों के साथ ये खूबसूरत चीजें बनकर फिर ये खूबसूरत हाथों में जाकर फिर खूबसूरत कस्टमर के साथ सेल हो जाते हैं। हम अगर कैमरा मेरा दिखा सके तो स्पीड में फिर आपको दिखाना चाहूंगा। मेरी आर्टिजन की बायोमेट्रिक्स नहीं हुई क्योंकि हाथ घिस जाते हैं पूरे, आप सिर्फ इनके हाथ देखे, इतना ये चुपता है, स्प्लिंटर्स हैं जो ये चुपते हैं। माँ जी हाथ दिखाइएगा, कट्स बहुत पड़ते हैं, इनके हाथों के कट्स देख ले। चलें आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह ने के पास।